फ्रेंड्स आम लास्ट क्लास रे कौन देखी गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन्स देखी एंड आज आम कौन करवा रेस्ट आउ जो दुईटा मोशन्स इक्वेशन अच्छी आम भल भाव डिस्क्राइब करवा एंड तार रिलेटेड कौन करवा ना प्रॉब्लम्स करवा ओके सो एपर्यंत आम कौन पढ़ी एपर्यंत आम कौन पढ़ी डिस्टेंस पढ़ी डिस्प्लेसमेंट पढ़ी देन वेलोसिटी पढ़ी देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी स्पीड देखी एक्सेलरेशन देखी एंड स्पीड रिलेटेड रे बहुत बहुत बढ़िया आम कौन ना तार की पॉइंट्स देखी एंड फॉर्मूला को कौन कर फॉर्मुलेटेड एंड आम देखुं कौन जे गैलीलियो लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को देखुं आम लास्ट क्लास रे कौन गोटे ही इक्वेशन को देखी दैट इज वी इज इक्वल टू वी प्लस ए टी की देखी आज कौन देखा आ रेस्ट दुटा इक्वेशन को देखा एंड तार रिलेटेड आम कौन कर प्रॉब्लम्स करवा सो ओके फ्रेंड्स लेट्स वाच सो आम कौन देखा सेकेंड लॉ को आम कौन देखा सेकेंड लॉ को देखा सेकेंड लॉ को आम कौन देखा ना देखा सेकेंड लॉ को ना देखा ओके सेकेंड लॉ कौन दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर व्हेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाट s is the displacement okay s ta kon displacement and u is your initial velocity and t is your time taken and a is the acceleration so ame kali kon dekhitilu initial velocity and final velocity ko ame bhalo bhabare observe kartilu initial velocity and final velocity ko chiniba pai ba identify kariya pai mu bodhiya gote concept koithili and that concept was timing of observer दैट मीन्स टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वर मु कौन टाइम रे देखुची मु कौन टाइम रे देखली गुटे बॉडी को मु कौन टाइम रे देखली फर्स्ट जो टाइम रे ताको ऑब्जर्व करथिबी सेइटा हबो तार इनिशियल कंडीशन एंड फाइनली जो टाइम रे ताको ऑब्जर्व करबी सेइटा हबो तार फाइनल कंडीशन आमे से विषय रे देखिथिले सो एबे आमे कौन करबा दैट इज एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आमे डिराइव करबा स्लाइड डिराइव कर दबा डेरिवेशन इंपोर्टेंट नहो बट इहर यूजेस होची इंपोर्टेंट ओके सो आमे कौन जानछथि वेलोसिटी इक्वल आमे कौन जानछथि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी इक्वल आमे कौन जानछथि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जानछथि एंड आमे कौन जानछथि वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी इक्वल आमे कौन जानछथि कोन कंडीशन रे आमे पढ़िथिले जे इक्वल टाइम थिबो डिफरेंट स्पीड थिबो से जगह आमे एवरेज वेलोसिटी के कोन देखिथिले ना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 सो फ्रेंड्स मु ए दीटा भितरे ठीक कहि दउ छी वेलोसिटी कोन ना गुटे डेफिनेट डायरेक्शन रे हबो गुटे डेफिनेट डायरेक्शन रे मोशन हे थिबो किछ डिस्टेंस को से ऑक्युपाइड करथिबो किछ टाइम कंज्यूम करथि एवरेज वेलोसिटी रे कोन ना दी सम से डेफिनेट डायरेक्शन रे ही तार कोन ना मोशन हे थिबो एंड किछ से कोन करथिबो डिस्टेंस को ऑक्युपाई करथिबो किछ टाइम रेस्पेक्ट रे सो वर्तमान कोन v and v average फ्रेंड्स मु जदी कहबी ए पॉइंट टू बी पॉइंट मोशन करछि ए पॉइंट टू बी पॉइंट मोशन करछि गुटे स्ट्रेट लाइन रे जाइछि एंड दैट इज योर 3 मीटर ओके दैट इज योर 3 मीटर एंड 2 सेकंड टाइम को कंज्यूम करछि 2 सेकंड टाइम को कंज्यूम करछि सो एर वेलोसिटी वर्तमान केते बाहरिबो ना सिंपली कथा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 3/2 ओके दैट इज 3/2 बाहरिबो वर्तमान मु एई कंडीशन को कोनो कहबी ए टू बी से मूव करछि ए टू बी मूव करछि ओके तो वर्तमान कौन जे तार इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड थिला इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड थिला एंड फाइनल वेलोसिटी वी मीटर पर सेकंड थिला वी मीटर पर सेकंड थिला टी टाइम कंज्यूम करथिला इक्वल टाइम कंज्यूम करथिला ए केस रे हम पाइथिले कौन जे वेलोसिटी रो एवरेज हो किबा स्पीड रो एवरेज हो ओनली स्पीड एंड वेलोसिटी भितरे डिफरेंस कौन ना स्पीड डजंट लीड्स विद द डायरेक्शन बट वेलोसिटी डील्स विद द डायरेक्शन सो वर्तमान एटी कौन आस्तला वी प्लस यू अपॉन 2 आस्तला आमे पढ़ी जाइ छथि सो वर्तमान आमे कोन देखले ये भी गुटे डायरेक्शन रे कोन होछि वेलोसिटी रो आसुछि ये भी गुटे डायरेक्शन रे वेलोसिटी होछि सो वर्तमान ये भी वेलोसिटी एंड ये भी वेलोसिटी सो वर्तमान मु कोन करि पारिबि एई दीटा इक्वेशन को मु कोन करि पारिबि ना इक्वेटिंग करि पारिबि एई दीटा इक्वेशन को मु कोन करि पारिबि ना इक्वेटिंग करि पारिबि दैट मींस ये एंड ये ए दीटा कोन
इक्वल टू आसुचंती ए दुटा इक्वल ही आसुचंती गुटे ही डायरेक्शन रे मोशन होउची ताले मु लिखि पारि फ्रेंड्स एस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू यू प्लस वी अपॉन टू मु लिखि पारि त वर्तमान देखंतु ए जगह रे वर्तमान कोन हबो एस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू ताले ए दुटा जदी लेफ्ट साइड इक्वल हला इक्वेशन रे सो राइट साइड भी कोन जे डेफिनेट इक्वल्स ही आसीबो सो राइट साइड भी कोन जे डेफिनेट इक्वल ही आसीबो सो वर्तमान देखंतु एटी को कोन लिखि परबी दैट 2s इक्वल टू 2s इक्वल टू t होल इनटू u प्लस v t होल इनटू u प्लस v एंड फाइनली 2s इक्वल टू t होल इनटू u प्लस आमे v रो फार्मूला को कोन देखिथिले v इक्वल टू लास्ट क्लास रे देखिथिले v इक्वल टू u प्लस 80 v इक्वल टू u प्लस 80 आमे देखिथिले v इक्वल टू u प्लस 80 आमे देखिथिले त बर्तन v जगह रे u प्लस 80 की मु कोन करबी ना पुट करबी सो u प्लस 80 u प्लस 80 सो फाइनली इट विल बी t होल इनटू 2u प्लस 80 2u प्लस 80 सो फाइनली 2s इक्वल टू t होल इनटू 2u प्लस 80 दैट विल बी वर्तमान कोन हो जे 2s इक्वल टू 2ut प्लस a t square एंड फाइनली मो एटी करू छी फ्रेंड्स सो फाइनली s विल बी 2ut प्लस a t square अपॉन 2 दैट विल बी 2ut अपॉन 2 प्लस a t square अपॉन 2 s इक्वल टू दैट 2 विल बी कैंसिल आउट ईच अदर दैट विल बी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t square ut plus half a t square s equal to ut plus half a t square friends our derivation important no but formula bahut important formula re kebe bhi displacement magibo nahi mathematics jeta numericals asithibo question re displacement bhi magi pare or distance bhi magi pare jadi se jagare distance magi chi tahala amku kon je ताकु कंसीडर करया पई पडिबो जे सेटा ही डिस्प्लेसमेंट ही मागी छी सब प्रथम मु जते बळ प्रॉब्लम्स करैली आपण माने भलो भाबरे ताकु जानि पडिबे सो फाइनली मु काढली कोन वर्तमान डिराइव करैली s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर को मु डिराइव करैली वेयर s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सीलरेशन ओके सो वर्तमान आमे कोन करबा फाइनल 3 नंबर रो इक्वेशन को हम डिराइव कर सल्ला परे हमें कोन करबा किछि प्रॉब्लम्स करबा ओके सो वर्तमान हमें कोन देखबा सो फ्रेंड्स नोट कर दियंतु वर्तमान हमें कोन करबा 3 नंबर रो इक्वेशंस को डिराइव करबा सो ठीक अछि ओके तो वर्तमान हमें कोन करबा 3 नंबर रो इक्वेशन को डिराइव करबा सो वर्तमान इक्वेशन नंबर 3 रे कोन ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a होल इनटू s u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू s वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी v इज द फाइनल वेलोसिटी a इज द एक्सीलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट ओके फ्रेंड्स आमे देखिथिले कोन जे v इक्वल टू s अपॉन t देखिथिलु एंड v इक्वल टू u plus v upon 2 देखिथि u plus v upon 2 देखिथि ओके तो वर्तमान मु कोन करबे एई दुटा इक्वेशन को ही कोन करबे ना ए जगह रे भी इक्वेटिंग करबे सो फाइनली s upon t इक्वल टू u plus v upon 2 s upon t इक्वल टू u plus v upon 2 एंड फाइनली आमे लास्ट क्लास रे डिराइव करथिलु दैट इज v इक्वल टू u plus a t v इक्वल टू u plus a t एंड t will be v minus u upon a v minus u upon a so finally mu t ro value ku 8 hi put karbi t ro value ku mu 8 hi put karbi so that will be s upon v minus u whole divided by a equal to u plus v upon 2 u plus v upon 2 so that will be s whole divided by v minus u equal to u plus v upon 2 u plus v upon 2 वर्तमान फ्रेंड्स मको बहुत क्विक कहू जे इत पाई कि आर डेरिवेशन इंपोर्टेंट नो बट फार्मूला टा ही इंपोर्टेंट सो फाइनली 2as equal to v
v minus u whole into v plus u सो वर्तमान a2 कोन हला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हला एंड v minus u u plus v सहित कोन हला ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हला एंड u plus v जगह रे मु v plus u भी लिखि परबी काहे कि ना फ्रेंड्स 3 plus 2 equal to 3 2 plus 3 मध्ये मु लिखि परबी 3 to 3 plus 2 equal to 2 plus 3 मध्ये मु लिखि परबी सो फाइनली 2as equal to v square minus u square 2as equal to v square minus u square and that will be 2as equal to sorry so that will be v square equal to u square plus 2as u square plus 2as सो फाइनली आम पाखरे तीनटा इक्वेशन आसी गला दैट एंड दीज आर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड v इक्वल टू u प्लस at v इक्वल टू u प्लस at बट एटी सबटु बडो कथा हला एटी सबटु बडो कथा कोन हला जे तीनटा इक्वेशन रो एप्लीकेशन कोन जगह रे ए तीनटा इक्वेशन रो एप्लीकेशन कोन जगह रे फ्रेंड्स ए तीनटा इक्वेशन रो एप्लीकेशन सपोज मु गुटे सर्कुलर मोशन रे गुटे सर्कुलर मोशन रो वेलोसिटी बाहर करिया पई कोन v इज इक्वल टू u प्लस at क्यू पुट करि परबी कि v इज इक्वल टू u प्लस at क्यू पुट करि परबी कि नेवर करि होबो नाही ओनली ए तीनटा जको इक्वेशन सेही समय हेरी ही एप्लीकेबल होबो जते बेले कोन हमर थिबो ना लीनियर बा यूनिफॉर्म आमे कोन लिखि परबा यूनिफॉर्म दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली यूनिफॉर्म मोशन रे ओनली यूनिफॉर्म मोशन रे ही एप्लीकेबल होबो ओनली यूनिफॉर्म मोशन रे ही एप्लीकेबल होबो दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी थिबो एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थिबो आमे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ टू आमे भलो भाबरे जत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़िबा आमे सतेबेले क्लियर हे जिबा ग्राफ बाबत रे ओके सो ओनली एगुडा को केतेबेले एप्लीकेबल होबो ना यूनिफॉर्म मोशन थिबो फ्रेंड्स सो यूनिफॉर्म फॉर मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी थिबो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थिबो सेही कंडीशन रे ही कोन आसीबो ए तीनटा फार्मूला एप्लीकेबल होबो सो आमो कॉम्पिटिटिव रे एते डीप दबो नाही से सब बेले क्वेश्चन रे कोन आसीबो जे यूनिफॉर्म मोशन रे ही आसीबो क्वेश्चन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो बा यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे ही क्वेश्चन आसीबो सो वर्तमान आम पाखे तीनटा इक्वेशन मिलि गला सो तीनटा इक्वेशन को वर्तमान मु कोन करजी लेखुची सो वर्तमान मु किछि क्वेश्चन लेखिबी से क्वेश्चन को हमें कोन करिबा ना सॉल्यूशन करिबा से क्वेश्चन को हमें कोन करिबा सॉल्यूशन करिबा ओके सो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at ओके v इक्वल टू u प्लस at एंड सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as u स्क्वायर प्लस 2as ओके फ्रेंड्स ए तीनटा इक्वेशन रो एप्लीकेशन पाई आमको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को भलो भाबरे डिटरमाइन करिवा पाई पडिबो एंड लास्ट क्लास रे मु कहिथिली किमिति इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करा जाय ओके एंड आज हम कोन करबा आर रिस्पेक्ट रे किछि क्वेश्चन करबा ओके सो ए तीनटा इक्वेशन को अपन नोट कर लियंतु मु गोटे क्वेश्चन को लेखु छी ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन रे कोन कहला फ्रेंड्स एगुडा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन रे कोन कहउची क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन कहउची सपोज से कोन कहला ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of 90 km per hour a train is traveling at a speed of 90 km per hour and brakes are applied so as to produce
so as to produce a uniform acceleration, so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, minus 0.5 meter per second square. Find how far, find how far the train will, find how far the train will go before it brought to rest. So friends, बहुत important question. Question ने कौन दला? A train is traveling at a speed of 90 km per hour and brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, and find how far the train will go before it brought to rest. It brought to rest, very important question. And it a final last year question thila. Last year SSC CGL re hi question thila. Second paper question thila. ताले कौन कहला फ्रेंड्स वर्तमान प्रॉब्लम टा सॉल्यूशन करे पे चेष्टा करंतु. प्रॉब्लम रे कौन देला किछि केते डिस्टेंस पार करे पाई जाई छी दै छी ताकि ट्रेन टा कोन होबा आसी के रेस्ट हो. सो फाइनली हमें इनिशियल वेलोसिटी को डिटेक्ट करि पाले एंड फाइनल वेलोसिटी को डिटेक्ट करि पाले. फ्रेंड्स हम पाके तीनटा फार्मूला अछि, दैट इज v इक्वल टू u + at अछि एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as अछि एंड s इज इक्वल टू ut + half at स्क्वायर अछि एंड ut + half at स्क्वायर अछि. सो फ्रेंड्स वर्तमान आमर प्रथम मोटो कौन रहिबा दरकार जे हमें तीनटा फार्मूला रु को फार्मूला को प्रूव करिबा, को फार्मूला को प्रूव करिबा. सो फाइनली हमको कौन जे डिस्टेंस बाहर करिया पई देला, डिस्टेंस बाहर करिया पई देला. सो एई कंडीशन रे भी डिस्टेंस बाहर बाहर हि परिबो एस अछि एंड एई कंडीशन रे भी कौन जे डिस्टेंस बाहर हि परिबो एस अछि. सो वर्तमान मोर डाटा अनुसार मते इनिशियल वेलोसिटी देला एंड फाइनल वेलोसिटी देला एंड एक्सेलरेशन देला. एक्सेलरेशन मतलब सेटी रिटार्डेशन भी देखि बट क्वेश्चन रे एक्सेलरेशन मेंशन थिला केते देला जे माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वर्तमान आपको डिटेल करे पई पड़िबो जे कोन फार्मूला रे हम जिबा. ए फार्मूला त ए जगह रे एई क्वेश्चन पई सुटेबल न हो, बाकी रहला एई दुटा फार्मूला. वर्तमान कोन फार्मूला पर हम प्रूव करबो हमरो डाटा फ्रेंड्स एति की अछि, हमरो डाटा एति की अछि. जदि मु ए जगह रे भी एई फार्मूला को पुट करि पारि थांती, जदि मो पाखरे टी रो किछि मेंशन थांता, टाइम रो किछि मेंशन थांता, एठी टाइम रो किछि मेंशन ही नाही. एई फार्मूला को जदि मु जाउ छी ताले एठरे कोन मोर आंसर एस ही आसीबो एंड सब प्रकार एठी जति की डाटा जो छी से डाटा गुडा को मो पाखरे अवेलेबल हे कि छी. सो फ्रेंड्स ए फार्मूला रे ही बाहर करि हबो, ए फार्मूला रे भी बाहर करि हबो, टी फर्स्ट बाहर करि किना ए फार्मूला रे बाहर करि हबो, बट आमर इजी आसीबो ए फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as फार्मूला आंको बहुत इजी हबो. एही पई जे एही टिकर प्रत्येक डाटा गुडा को ए जगह दे छी, u दे छी, u मेंशन हे कि अछि, v मेंशन हे कि अछि एंड एक्सेलरेशन मध्ये मेंशन हे कि अछि. सो फाइनली मु कोन पुट करबी, मु फुल कोन पुट करबी जे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as. ताले v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर + 2as. ओके फ्रेंड्स, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. सो 0 रो स्क्वायर 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, सो स्क्वायर ऑफ द 25 मीटर पर सेकंड दैट विल बी 625 मीटर पर सेकंड, 625 प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन माइनस 0.5, सो माइनस 0.5 ओके इनटू एस जोटा के हमको कोन जे बाहर करिया पई पड़िबो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. सो फाइनली, सो फाइनली 0 इक्वल टू 625 इनटू 625 इनटू सॉरी 625 प्लस 2 होल इनटू -5 अपॉन 10 इनटू एस. ओके -5 अपॉन 10 इनटू एस. सो वर्तमान कौन हो दैट विल बी 1 अपॉन 2. सो 0 इक्वल टू 625 -625 माइनस s, that will be 2 to cancel, minus s. Okay, so now 625 equal to s, that is the answer.
625 मीटर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स एटा को भलो भाबरे ऑब्जर्व करंतु कोन देतला क्वेश्चन रे ट्रेन टा कोन आइतला 90 किलोमीटर पर आवर रे कोन करतला मोशन करतला एंड ब्रेक्स अप्लाई करा गेला जा फलो रे कि तार एक्सेलरेशन केते खसी के आसीला -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को खसी के आसीला से कोन बाहर करे पई कहला केते डिस्टेंस गोला परे ट्रेन टा कोन होबो ना छिडा है जो बा स्टॉप है जो बा रेस्ट है जीवो ओके सो वर्तमान मो पाके तीनटा फार्मूला थिला तीनटा फार्मूला रु मु v इज इक्वल टू u प्लस at की पुट कर परबे नाही काहे कि ना टाइम रे मेंशन नाही नाही s इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर को पुट कर परबे नाही काहे कि ना टाइम रे मेंशन नाही नाही सो फाइनली मका रेस्ट रहला कोनटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नि रहला जोंतर कि सब प्रकार डाटा ए प्रॉब्लम रे मेंशन है कि थिला ओके सो v रो वैल्यू फाइनल वैल्यू छि 0 एंड तब रे सॉल्यूशन कोला पर फाइनली 62625 मीटर आसीला आंसर दैट मींस 625 मीटर ट्रेन तर वे कवर कला परे से ट्रेन टा कोन होबो ना रेस्ट रहि जइबो सो फ्रेंड्स वर्तमान ए प्रॉब्लम को नोट कर दियंतु एंड आरो सॉल्यूशन प्रोसेस को भी नोट कर दियंतु सो 6 टू 5 इज योर आंसर 6 टू 5 मीटर इज योर आंसर एटा कोन होबो आंसर अस का ओके 6 टू 5 मीटर इज योर आंसर ओके नोट करले एबे आमे नेक्स्ट प्रॉब्लम को जइबा एबे आमे कोन करबा नेक्स्ट प्रॉब्लम को बहुत इंपोर्टेंट प्रॉब्लम फ्रेंड्स एगुडा को प्रैक्टिस करंतु एंड आवर भी प्रॉब्लम्स करंतु जो प्रॉब्लम्स करी हो नाही तो ताके कमेंट बॉक्स में मते कौन करंतु ना शेयर करंतु मु चेष्टा करबी तार सॉल्यूशन पाई ओके मु चेष्टा करबी तार सॉल्यूशन ओके सो प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2 ओके प्रॉब्लम नंबर 2 रे कौन कहूची वेरी सिंपल प्रॉब्लम ओके दिला प्रॉब्लम नंबर 2 रे कौन कहूची फ्रेंड्स से कौन कहला ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम नोट करंतु starts from rest and attains a speed of attains a speed of 54 kilometer per hour in 5 seconds in 5 seconds okay find the acceleration so bartman a problem ro solution mu kariba darkar nahi a problem ro solution mu kariba darkar nahi kahi ki na question direct hi asi chi a body starts from rest and attains a speed of 54 km per hour in 5 seconds in 5 seconds find the acceleration acceleration bahar kare pai koi chi so friends आमे एक्सेलरेशन रे प्लेन प्लेन फार्मूला को कोन जान छथि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके ए जगह रे इनिशियल वेलोसिटी ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट काले को तीनटा की पॉइंट कहितली इनिशियल वेलोसिटी केते बेले जीरो होबो जते बेले क्वेश्चन रे मेंशन थिबो ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बा रेस्ट बा कोनोसी डाटा जदि थिबो सेंति ताले इनिशियल वेलोसिटी जीरो आसीबो सो ए जगह रे मोर इनिशियल वेलोसिटी केते आसीबो ना 0 मीटर पर सेकंड आसीबो एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 54 किलोमीटर पर आवर दैछि ताके मीटर पर सेकंड रे मते कोन करिया पई पडियो कन्वर्ट करिया पई पडियो सो v 0 54 5 upon 18 ओके दैट विल बी 15 मीटर पर सेकंड दैट विल बी 15 मीटर पर सेकंड एंड टाइम केते देला 5 सेकंड दैछि टाइम केते देला 5 सेकंड दैछि सो फाइनली ए जगह रे एक्सेलरेशन केते आसीबो v माइनस u अपॉन t v विल बी 15 मीटर पर सेकंड सो 15 मीटर पर सेकंड माइनस u 0 दैट एंड डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके फ्रेंड्स ए क्वेश्चन रे जदी देई थांता ए क्वेश्चन रे जदी देई थांता जे ताकु 200 मीटर रास्ता कवर करिया पई हेले केते टाइम लागबो 200 मीटर रास्ता कवर करिया पई हेले केते टाइम कंज्यूम करबो ए क्वेश्चन रे मु ऐड करूची लेखंत ए क्वेश्चन रे मु ऐड करूची वर्तमान जे हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर क्वेश्चन इति दला
a body starts from rest and attains a speed of 54 km per hour and in 5 seconds find the acceleration. First question is the acceleration. Second question from the left, how much time required to cover a distance of 200 meter? 200 meter rasta cover kariya pai hele a body ko kete samay lagibo. Okay, so friends, eta ko bartan amar kon kariba solution kariba. So bartan apan nije try karantu je kimti hobo, nije try karantu je kimti hobo. Amo pakhe formula kon achi, v is equal to e plus at e h, v is equal to e plus at e h. Okay, जो थे कि डिस्टेंस रो मेंशन भी किछि नाही, डिस्टेंस रो किछि मेंशन नाही, v टा कोन फाइनल वेलोसिटी, u टा कोन इनिशियल वेलोसिटी, a इज योर एक्सीलरेशन. जो थे डिस्टेंस रो किछि मेंशन नाही, सो ए क्वेश्चन पई हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ए क्वेश्चन पई ए फार्मूला को पुट कर परबी नाही. सो फाइनली रहला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ए जगह रे डिस्टेंस अछि, इनिशियल वेलोसिटी अछि एंड फाइनल वेलोसिटी अछि, बट एडी टाइम रो कोनोसी प्रकार मेंशन नाही. ए जगह रे टाइम रो कोनोसी प्रकार हि मेंशन नाही, जे केते टाइम रे मु एतिक डिस्टेंस को कवर कर परबी सेंति किछि मेंशन हि नाही. सो फाइनली रहला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो बर्तन s रो मेंशन अछि, u मेंशन अछि, तो बर्तन एक्सीलरेशन रो भी मेंशन अछि. ओके, एक्सीलरेशन रो भी मेंशन अछि. सो बर्तन ए प्रॉब्लम को अपन को ए प्रॉब्लम काले मते कमेंट बॉक्स रे कोन करबे आंसर करके ना देबे. ओके, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ए ए क्वेश्चन रो सॉल्यूशन काले कमेंट बॉक्स रे कोन करबे मते शेयर करबे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिबा, हमें कोन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा. हमें कौन देखिबा बर्तन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन कहला, सपोज चार नंबर क्वेश्चन आई थिंक काली गोटे क्वेश्चन काली दीटा करा जाइतला, आज दीटा चार पांच नंबर क्वेश्चन आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन होची ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, मु किछ क्वेश्चन डिस्कस करछि, बर्तन आपन मते कोन्तु जे ए क्वेश्चन दे देला, फाइव पांच नंबर ए क्वेश्चन रे कोन देला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, एमान को भीतर कोन स्टेटमेंट टा ठीक अछि. ऑप्शन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. बी रे कौन देला, डिस्टेंस मे बी जीरो, may be negative. Okay, C रे कौन देला, uniform velocity, uniform velocity is not in accelerated motion. And finally, all of this. Finally, none of this. So friends, a question karo. Which of the following statement is true? Uniform circular motion is non-accelerated motion. Uniform circular motion got a accelerated motion nuho. Then distance may be negative nahi pare. Uniform velocity is not a accelerated motion. Uniform velocity dei chi ar criteria bhi jan chanti uniform velocity, and there is finally none of this. So finally a question roila, ame a question ro bujhai de solution apan mane karantu, and I hope ajre concept bhal lagithibo. Jodi mo concept bhal laguchi, so finally like karantu, share karantu and subscribe karantu.
Okay, have a good day.